हेलो शार्क्स, मैं हूं वांछिता, चीफ फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर एट बिटब्लॉक्स। वाओ, ओ मैं तो भूल गई। अरे हेलो शार्क्स, मैं हूं अमित मोदी, फाउंडर ऑफ बिटब्लॉक्स। शार्क्स, क्या आपको पता है इस प्रोजेक्ट को एक 14 साल के बच्चे ने बनाया है। 14 साल के बच्चे ने बनाया है। बच्चों के पास आइडियाज का भरमार होता है, लेकिन उनको साइंस में रुचि खोने लगते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हमने ये देखा है कि जब भी उनके मन में कोई आइडिया आता है तो वो आइडिया किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कोई टीचर हो। और जब उनको कोई एंकरेजमेंट नहीं मिलता है तो वो प्रोजेक्ट को वहीं छोड़ देते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हमने ये देखा है कि जब भी वो कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठ जाते हैं तो उनको पार्ट्स नहीं मिलता है। अगर मोटर मिलता है तो चैसी नहीं, प्रोपेलर है तो मैग्नेट नहीं, कोई ना कोई पार्ट तो मिसिंग ही रहता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने ये देखा है कि जब भी वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स वायर्स है, सर्किट्स है और सोल्डरिंग वगैरह जब आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं और वो प्रोजेक्ट को वहीं पर छोड़ देते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो हमें लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए और इससे आया आइडिया बिटब्लॉक्स का। हमारा जो प्रोडक्ट है ये मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं। ये ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह का लॉजिक या सर्किट बना सकते हैं। ये एक तरीके का आईओटी लेगो है। हाँ, आईओटी लेगो है। कोई भी बच्चा अगर कुछ भी सोचता है तो वो उस ब्लॉक्स को ज्वाइन करके प्रोजेक्ट बना सकता है, वो ट्रांसलेट कर सकता है अपना आइडिया। इसके अलावा हमने ये सोचा कि हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे जो बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो भी वो इनोवेशन कर रहे हैं, वो एक दूसरे से शेयर कर सके। तो हमने बनाया बिटब्लॉक्स ऐप। इसमें आप अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। हम लोग जो भी बच्चे रहते हैं उनको हर दो हफ्ते में एक चैलेंज देते हैं कि आप क्या नया बना सकते हैं, और वो जो चैलेंज होता है वो बनाकर अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप उसको, जैसे मैं उसको 10 बिटकॉइंस, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उसे 10 बिटकॉइंस दे दिया। वो बच्चा ये बिटकॉइंस इकट्ठा करके कभी भी उसको कोई फ्यूचर परचेस करना होगा ऐप से, कोई प्रोजेक्ट वो बना रहा है और उसको पार्ट्स कंपोनेंट्स चाहिए तो उसमें उसे डिस्काउंट मिलता है। सो हमारा विजन ये है कि दुनिया में हर बच्चा जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है उसको हम इंस्पायर कर सके। सो इसलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हम 60 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं इन एक्सचेंज फॉर 3% इक्विटी स्टेक इन आवर कंपनी। सो शार्क्स, क्या आप हमारी पावर ब्लॉक्स बनना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। कैन यू टेल अस द जेनेसिस, मतलब आपने ये काम कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? मैं आईआईटी में पढ़ाई करता था, आईआईटी बॉम्बे में। पढ़ाई करते वक्त मैं हर संडे को एक साइंस क्लब रन करता था जहां बच्चों के साथ मिलके हम लोग नया कुछ प्रोजेक्ट बनाते थे, कभी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इस तरह। बच्चों के साथ काम करते वक्त मैंने यह रियलाइज किया कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं बट इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर प्रॉब्लम आता है। तो फिर मैं वहाँ से काम करना शुरू किया कि मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और फिर मैंने ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। अच्छा, और आप वंचिता से कैसे मिले? मैं जब अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी तब मैं इनके कंपनी में मैंने इंटर्नशिप किया था। तो ये हर संडे हमारा, मतलब जो क्लासेस कंडक्ट करते थे मैं वहाँ पर जाती थी। मैं भी ग्रोइंग अप वो बहुत ही टिपिकल साइंस नर्ड थी, साइंस और मैथ बहुत पसंद था, तो मैं हर वीकेंड जाके उनके क्लासेस में पढ़ाती थी। वो सब करने के बाद आई वेंट ऑन, मैं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ी। आई स्पेंट 3 years एट एन इन्वेस्टमेंट बैंक, और फिर जब विच बैंक? आई वॉज एट अवेंडिस कैपिटल। अच्छा। या वो खत्म करने के बाद व्हेन आई सॉ कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड आई विल गेट अ चांस टू एक्चुअली वर्क इन अ यंग स्टार्टअप व्हिच इज गोइंग टू ग्रो एंड एक्सप्लोर, तो मैंने सोचा कि दिस इज द टाइम, तो मैंने प्लंज ले लिया। आपकी ये जो गन है ना, बार बार मेरे पे पॉइंट करती है, मैं हैंड्स अप करके टेंशन में चली जाती हूँ। इसको कोई ऑपरेट कर रहा है पीछे से, बार बार मेरे पे क्यों पॉइंट कर रही है? ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये वांछिता, आप ना वेंडर्स वाली बातें ना करो मेरे साथ, एआई और ये सब। ये मेरे पोजीशन को ट्रैक कर रहा है, यहाँ पे कैमरा है तो वो उससे ट्रैक कर रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और मेरे पास एक पीयूष, एक्चुअली हमारे पास आपके लेंस कार्ट में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। और इसमें हमने यूज किया है पावर ब्लॉक्स, एक सेंसर ब्लॉक जो ऑब्स्टेकल सेंस करता है,
और आउटपुट में बजर ब्लॉक्स। इस चश्मे को पहन के आप किसी भी ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है ब्लाइंड पीपल के लिए कि वो पहन के इसको चल सकते हैं। जैसे मैं अगर सामने आ गया तो ये बीप करने लगे। इतनी दूर से ही अब उसे ट्यून कर सकते हैं। तो आप अभी आगे से हटिए मेरे। हाँ अब आइए। तो ये दिखा रहा है, इसमें कैमरा लगाया आपने? नहीं नहीं, ये सेंसर है, ये हमारा सोनार सेंसर है। अच्छा। साउंड वेव्स फेंकता है और रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। अब आप अपने प्रोडक्ट सबको दिखा दीजिए, आई थिंक सब काफी कीन है। थैंक यू, वेरी नाइस पैकेजिंग। सो हम ये ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं, ये बच्चा अपने आप से बना सकता है। ये जो बॉक्स है ये 2500 का होता है। ये किट हम लोगों ने अमेजन पे बेचना शुरू किया सितंबर 2017 से, तब से अभी तक हम लोग 18,000 से भी ज़्यादा किट्स हम लोग बेच चुके हैं। अमेजन में हम लोग रैंक नंबर वन रोबोटिक्स किट है 2 साल से। अच्छा। और साथ साथ में ये एक स्टॉप नहीं देता है, मतलब आप शुरू करेंगे तो आप इसे लाइफ लॉन्ग 8 साल से 16 साल में भी आप 99 इयर्स तक भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका कोई एज ग्रुप नहीं है? हाँ, इसका कोई एज ग्रुप नहीं है। मिनिमम एज क्या है? हम जो फोकस कर रहे हैं वो 8 साल से 16 साल पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने 20 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है। हाँ। तो सेल्स क्या है? जनरली हम लोग 16 लाख पर मंथ का रेवेन्यू कर रहे हैं। आपके ऐप के बारे में थोड़ा बताएंगे, इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन क्या है, बच्चे आते हैं तो कितने टाइम रहते हैं, रिपीट क्या है? ये ऐप हमने पिछले साल ही लॉन्च किया है और इसमें 1.5 लाख का डाउनलोड है। मंथली एक्टिव यूजर्स जो है वो 19,000 है। डेली एक्टिव यूजर की अगर बात करें तो वो वेरी करते हैं, 1300 से 1400 के बीच में वेरी करते हैं। एवरेज टाइम पर यूजर जो है अराउंड 12 मिनट का है। अगर हम लोग अपलोड से मेजर करें कि कितना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट बना के, तो डेली 40 से 45 का अपलोड का एवरेज रहता है। वांछिता, एक्चुअली मैं आपसे काफी इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि मैंने भी मेरा करियर US में एज वेल एज इंडिया में CFO से शुरू किया है। Okay. तो फाइनेंस मेरा भी बहुत चहीता टॉपिक है, तो कॉन्ग्रेट्स। मैं बहुत दिनों बाद एक लेडी CFO को मिल रही हूँ। थैंक यू। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा डिसीजन है कि मैं आउट हूँ क्योंकि मेरे 2 बड़े बेटे हैं और मैं हमेशा ये चीज़ें ढूंढती रहती हूँ, तो मार्केट में काफ़ी ऐसे किट्स हैं, तो उस वजह से आई एम सॉरी बट आई एम आउट। आपने ये जो कंपोनेंट बनाया है, हाँ, ये और कोई बनाता है ग्लोबली? अभी तो नहीं बनाता है। तो ये आपने ही पूरा सोचा है कि ऐसा एक कंपोनेंट बनेगा? हाँ, ये बिल्कुल बॉडी से इंस्पायर हुआ था। जिस तरह से हम लोग कुछ भी काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए होती है, पावर चाहिए होता है, उसके लिए हम खाना खाते हैं, उसी तरह सर्किट में हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, पावर देते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग किसी सर्किट में देखें तो जैसे सेंसर्स होते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में भी हमारे आईज, नोज, ईयर्स और स्किन, ये सब से हम अपने सराउंडिंग को सेंस करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो हमने इसी कंसेप्ट को यूज करके बिट ब्लॉक्स बनाया है। सो वांछिता, अमित, पहली बात ये बहुत एक्साइटिंग किट है, मतलब एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि इतना हैंड्स ऑन किट, मतलब एक 8 से 16 साल के बच्चे के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इसका काफ़ी ग्रोथ है। ये एडटेक की जो कंपनीज जो रोबोटिक्स में स्पेशलाइज करती हैं, वो लोग इवेंचुअली अगर देखेंगे कि ये आपका 1 करोड़ मंथ आप बिट ब्लॉक से बना रहे हैं प्रोडक्ट बेच के, तो वो लोग प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे लिए ये एट द मोमेंट आपका बिजनेस जो है वो फिट नहीं है, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये किड्स को अपने बच्चों के लिए शॉप करने के लिए। ऑफकोर्स अभी वो 6 और 3 साल के हैं, बट व्हेन दे रीच 8 इयर्स। मैंने अपना डिसीशन लग रहा है बन रहा है। कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक स्पेशलाइज्ड नीश रोबोटिक्स एंथुजियास्ट बिजनेस बना रहे हैं, वो काफ़ी स्केल भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक यू नीड अ सेल्स एंड मार्केटिंग DNA फॉर दैट। हाँ, अपने आप से बच्चे नहीं बोलते हैं पेरेंट्स को कि मुझे रोबोटिक्स की किट ला के दे दो, कोई कोई बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो मार्केट बहुत बहुत छोटा है। तो उसके लिए आपको उसकी डिमांड जेनरेट करनी पड़ेगी। मुझे आपके DNA में, और ये सच ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, वो सेल्स और मार्केटिंग नहीं दिखा, एक बहुत पैशनेट रोबोटिक्स की टीम दिखी, तो इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैं एज अ मदर ऑफ अ 7-year-old बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि जब से आप बोल रहे हैं
मेरे दिमाग में पीछे मेरा बेटा अगस्त्य, ऑगी बुलाती हूँ मैं उसको प्यार से, वही चल रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर उसने ये किट देख ली तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं मतलब महीने का 25,000 से 30,000 रुपया सिर्फ लेगोस पे खर्च करती हूँ टू कीप हिम एंगेज बिकॉज ही लव्स इट। ही लव्स इट। दूसरी चीज, आपका फोकस है कंटेंट प्लेटफॉर्म पे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किट खरीदे नहीं खरीदे, लोग जो है अगर घर पे भी कुछ बना रहे हैं वो वहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं, विच मीन्स एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं आप बच्चों की, जहाँ बच्चे एक दूसरे को देख के इनकरेज हो सकते हैं और बेटर बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बहुत पसंद आया और इस वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ। ऑगी के लिए कर लो। ऑगी वही जा रही हूँ। दिस इज गोइंग टू बी फॉर माई सन अगस्त्य, फॉर ऑगी। तो मैं आपको ऑफर करती हूँ 60 लाख, जो आपकी आस्क है, फुल अमाउंट, बट इक्विटी में मुझे कम से कम 10% चाहिए। Okay, you have one offer, 60 lakhs for 10%. Piyush, आप भी ऑफर देना चाहेंगे? मैं अगर आपके कैप टेबल पे आता हूँ, हाँ, तो मेरे से क्या चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ ये जवाब मुझे वांछिता दे। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ ये जवाब मुझे वांछिता दे। मैं वो CFO है आपकी। हमें अपना सेल्स इंजन को एक्चुअली रियली स्टार्ट करना है और हमें अपना ऐप में वो ग्रोथ चाहिए। अभी मतलब हम यूजर्स को ला पा रहे हैं, बट हमें वो जर्नी क्रॉस करना है और वो एंगेजमेंट पे पहुंचना है और उसे मोनेटाइज करना है। और आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, हमें लगता है। चलिए, कौन ज्यादा हेल्प कर सकता है, मैं या गजल? दोनों मिलके कर सकते हैं। चलो 60 लाख 10% मैं और गजल लेने, अगर गजल डिस्ट्रीब्यूट, नहीं तो मैं 60 लाख 10% अकेले करने के लिए भी रेडी हूँ। अरे मेरी डील ले रहे हो आप, मैंने दे दी उनको ये डील। गजल आप फेयर डील देते हो तो मैं आपकी डील काउंट। आप मेरी डील में जो है करेंगे वांछिता, आप ये डील फर्ज है। 60 लाख नहीं, मेरे को लगा कि आप करना चाहती हैं। 60 लाख 10% पीयूष से, 60 लाख 10% गजल से, और थर्ड ऑफर है 60 लाख 10%, उसमें 50-50 मेरा और गजल का। हम 2 मिनट डिस्कस कर सकते हैं? कर सकते हैं, श्योर। मैं वैसे बहुत सरप्राइज्ड हूं कि गजल आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। दे कमिंग। लगा था नहीं करोगे। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। वांछिता एंड अमित, हम एक काउंटर ऑफर करना चाहते हैं। अरे बाप रे, अरे मुझे लग ही रहा था। इसके लिए हमने 3% के लिए मांगा था, कुड वी ब्रिंग डाउन, आपने 10% मांगा, कुड वी ब्रिंग इट डाउन टू 5%? मेरे साइड से इक्विटी नॉन नेगोशिएबल। 5% तो कम है, बहुत कम। वी वुड लाइक टू वर्क विद मामा अर्थ एंड लेंसकार्ट, बिकॉज लेंसकार्ट ने जिस तरह से रिटेल में स्केल किया है, हर जगह पे लेंसकार्ट के शॉप। और मामा अर्थ ने जो वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड किया है ना, वो किसी और ब्रांड ने नहीं किया। मामा अर्थ मतलब मेरी फैमिली भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करती है। और इस तरह से कम्युनिटी इन्होंने भी बिल्ड किया है, तो अब दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वी थैंक यू। ओ गुड, वी लव टू गो इन फॉर इट। दिस इज फॉर ऑगी, दिस इज फॉर अगस्त्य, माय सन। थैंक यू सो मच। थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस। Fantastic. Thanks a lot. Congratulations. Thanks. I'm so happy. Thank you. Thank you so much. Congratulations. Congratulations. Thank you.